हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो जो प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम कवर करेंगे। हमने देखा था कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की, वो भी हमने कवर कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट की। सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि कौन सी मोटर एक्टिविटी किस टाइम ड्यूरेशन में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक चार्ट प्रिपेयर है आपके सामने जिसमें बताया गया है कि डिफेंसिव मूवमेंट, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसमें डिफेंसिव मूवमेंट देखी जाती है, यानी वो अपने आप को बचाता है, डिफेंस करता है जो बाहर के जो लोग होते हैं खुद उनसे खुद को। तो ये 2 वीक्स में आ जाता है, जो 2 हफ्ते का जो बच्चा नवजात शिशु जो कि 2 हफ्तों का होता है उसमें डिफेंसिव मूवमेंट देखा जाता है। ऑकुलर पर्सुएट मूवमेंट 4 वीक्स में देखा जाता है, इसको दृष्टि अनुसरण भी कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से टाइम ड्यूरेशन ऑकुलर पर्सुएट मूवमेंट का होता है। देखिए, इन अ प्रोन पोजिशन में 1 मंथ में होते हैं बच्चे। फिर देखिए, थंब जकिंग यानी अंगूठा चूसने की जो प्रक्रिया है वो 1 महीने में देखी जाती है। टर्निंग साइड टू बैक है ना, यानी कि बच्चों का टर्न होना यानी साइड से बैक में टर्न होना, ये 2 मंथ्स में देखा जाता है। सोशल स्माइल बहुत बार ये पूछता है, सोशल स्माइल जो है वो 3 मंथ में देखी जाती है। आई कोऑर्डिनेशन, पुल्स टू सिट पोजिशंस, रीच एंड ग्रैस्प, होल्डिंग हेड अप, इंसिस्ट, ये कब होता है? 4 मंथ में, यानी सर को होल्ड करना और आईज़ का कोऑर्डिनेशन है ना, सिटिंग पोजिशन में थोड़ा पीछे खिसकना, ये सब चीज़ें जो है 4 महीने में देखी जाती हैं। और देखिए, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, सॉरी सिटिंग विद सपोर्ट है ना, जैसे बच्चे बैठते हैं सपोर्ट के साथ जो है वो 5 महीने में बैठने लगते हैं, ग्रैस्प और होल्ड भी कर पाते हैं। टर्निंग कंप्लीट हिचिंग बैकवर्ड मूवमेंट इन सिटिंग पोजिशन, यानी कंप्लीट टर्निंग जो होती है वो 6 मंथ में देखी जाती है। इसके अलावा क्रॉवलिंग जो है वो कब होती है? 7 मंथ में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्रॉवलिंग भी पूछता है कि कौन से टाइम ड्यूरेशन में होती है। फिर देखिए, हम बात करते हैं पिकिंग अप ऑब्जेक्ट विद अपोज थंब, यानी चीज़ों को पकड़ना और अंगूठों को जैसे अपोज करके किसी चीज़ को कंप्लीट ग्रैस्प करना है ना। तो पिकिंग अप ऑब्जेक्ट विद अपोज थंब एंड स्टैंडिंग सपोर्ट है ना, तो किसी भी चीज़ को अंगूठे के सहारे जैसे पकड़ना और खड़े होना, सपोर्ट के सहारे खड़े होना, ये 8 मंथ में देखा जाता है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, क्रीपिंग ऑन हैंड्स एंड नीज है ना, बैठ जाना बिना सपोर्ट के बैठ जाना, और अब वो क्रीप करते हैं अपने हाथों पर और घुटनों के बल पे, यानी क्रीप का मतलब होता है रेंगना, तो वो 9 मंथ्स में देखा जाता है। क्रीपिंग ऑन ऑल फोर्स, चारों मतलब दोनों हाथ और दो पैर यानी चारों पे जो क्रीपिंग करते हैं वो 10th मंथ में या 10वें महीने में देखा जाता है। स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वॉकिंग विद सपोर्ट, अब खड़े तो हो जाएंगे बिना सपोर्ट के लेकिन चल नहीं पाएंगे, ये कब होता है? 11 मंथ में। फिर देखिए, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट यानी बिना सपोर्ट के 12 से 14 महीने में चलने लगते हैं, यानी 1 साल का बच्चा जो है वो चलने लगता है बिना सपोर्ट के। ऑर्गन एलिमिनेशन बोल कंट्रोल, ये जैसे कि ऑर्गन एलिमिनेशन का मतलब जैसे फीसेस और यूरिन है, ये सब बच्चों के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन अब 2 साल की एज में बच्चों को ऑर्गन एलिमिनेशन जो है वो लगभग बेसिकली उसमें भी ऑर्गन एलिमिनेशन में भी क्या बोल यानी कि फीकल मैटर जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं या ये कहिए बता पाते हैं। और ब्लैडर कंट्रोल यानी अभी भी उनका जो यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यूरिन पे कंट्रोल जो होता है वो बोल कंट्रोल के बाद आता है, जैसे कि 2 से 4 साल में वो कम्प्लीटली अपने ब्लैडर पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो ये क्या है? सीक्वेंसेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक कम्प्लीट पिक्चर आपके सामने है, देखिए ये एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने दिखाई जा रही है जिसमें फिगर की सहायता से दिखाया गया है। देखिए, न्यू बॉर्न जो होता है फीटल पोस्चर में होता है, और देखिए 1 मंथ में क्या करता है, होल्ड चिन अप, अपने चिन को पहले महीने में होल्ड अप करने लगता है। अब देखिए, होल्ड चेस्ट अप कब करते हैं? 2nd मंथ में। सिट्स व्हेन सपोर्ट्स है ना, सपोर्ट के सहारे बैठना 4th मंथ में होता है, और 7वें महीने में देखिए बिना सपोर्ट के बैठने लगता है। और जो है स्टैंड्स होल्डिंग फर्नीचर है ना, फर्नीचर पकड़ के खड़े होना 9वें महीने में देखा जाता है। 10वें महीने में क्रॉवलिंग करने लगता है, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर की सहायता से वो क्रॉल करता है। और 11वें महीने में हम देख रहे हैं वॉक इफ
लेट, यानी चलता है अगर आप सहारे से चलाएंगे तो चलेगा। और 11वें महीने में हम देखते हैं अकेले खड़ा हो जाता है बिना सपोर्ट के, और 12वें महीने में वॉक अलोन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सिक्वेंसेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट है। फिर देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि फाइन मोटर, अभी तक जो हमने बात की थी ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात हमने की थी, अब अगर फाइन मोटर की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि योर चाइल्ड्स टाइमलाइन ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जैसा हमने पहले भी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात की है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, देखिए जैसे फाइन मोटर स्किल में हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस सच एज ग्रैस्पिंग, ग्रैस्पिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, है ना। तो ग्रैस्पिंग जो होता है वो 0 मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप स्टार्टिंग में ही जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी भी जो होते हैं उनकी भी जो फिस्ट होती हैं, जो मुट्ठी होती है वो बंद होती है, तो किसी भी चीज़ को वो ग्रैस्प कर लेते हैं। फिर देखिए रीचिंग है ना इन इफेक्टिवली, यानी किसी चीज़ तक रीच करने का जो है वो 1 to 3 months में, किसी चीज़ तक पहुंचना जो है वो 1 से 3 महीने में देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैस्पिंग, यानी किसी चीज़ को ग्रैस्प कर लेना, कम्प्लीटली ग्रैस्प करना, ये 3 महीने में देखा जाता है। फिर देखिए अब पहला देखिए इसमें थर्ड वाले में और पहले वाले में क्या अंतर है, पहला वाला जो है वो 0 मंथ पे जो है वो रिफ्लेक्स सच एज ग्रैस्पिंग, ये मतलब रिफ्लेक्स होता है, खुद से ग्रैस्प नहीं करेंगे, जैसे उनके हाथ के पास अगर कोई चीज़ गया, आपने अपनी उंगली पकड़ाई उनको, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसका रिफ्लेक्स आता है ग्रैस्पिंग, अब ऑटो कोई चीज़ दिखी तो उससे खुद से वो उसको जाके ग्रैस्प नहीं करेंगे, है ना। जो ग्रैस्पिंग दिखती है स्टार्टिंग 0 मंथ में वो कौन सी होती है, रिफ्लेक्सेस वाली होती है, जबकि हम देखते हैं 3rd महीने की जो ग्रैस्पिंग होती है वो कैसी होती है कि जैसे आप कोई चीज़ बच्चे की तरफ ले जाएंगे या बच्चा खुद से किसी चीज़ को देख के अट्रैक्ट होकर हाथ बढ़ा के उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। 4th से 5वें महीने में हम देखते हैं रीच एंड ग्रैस्प, यानी वो थोड़ा सा एफर्ट डाल के चीज़ों को पकड़ता है। 6वें से 7वें महीने में हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ रीच एंड ग्रैस्प, है ना, ये कंट्रोल रीच एंड ग्रैस्प पे कंट्रोल भी वो सीख जाता है, मतलब कितनी दूरी तक जाना है, कितनी देर पे रुकना है। फिर देखिए 9 मंथ में हम देखते हैं पिंसर ग्रैस्प, यानी सॉफ्ट चीज़ें भी या जो फाइन चीज़ें हैं उनको भी ग्रैस्प करने लगते हैं। 10वें महीने में देखिए क्लैस्प हैंड्स, और 12 से 14 महीने में रिलीज ऑब्जेक्ट क्रूडली, रिलीजेज ऑब्जेक्ट क्रूडली, यानी 12 से 14 महीने में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्रूडली वो रिलीज़ करने लगते हैं। और 18 मंथ में कंट्रोल्ड रिलीज, यानी रिलीज जो जैसे कि ग्रैस्प करना और रिलीज़ करना दो चीज़ें होती हैं, तो रिलीज़ पे कंट्रोल जो है वो आता है 18वें महीने में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्या है ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के सिक्वेंसेस क्या क्या है, और उसके पहले हमने बात की थी यहाँ पे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो हम कवर कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर कुछ पढ़ना है आपको, कुछ नया टॉपिक आपको चाहिए तो आप वो बताइए मुझे कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।